वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। यूपी पुलिस इन दिनों धर्मांतरण के मामलों से जूझ रही है, लेकिन इस बीच मेरठ में पिछले 15 साल से मंदिर में रह रहे पुजारी की बीती रात हत्या कर दी गई। यह हत्या ईंट मारकर रात के अंधेरे में की गई। आशंका जताई जा रही है कि उन्हें एक गली में मारा गया, लेकिन शव कुछ दूर फेंक दिया गया। 45 वर्षीय पुजारी की यह हत्या मुंडाली थाना इलाके के गांव बाड़ला कैथवाड़ा में हुई है। एसओ मुंडाली के मुताबिक पुजारी का नाम चंद्रपाल है। गांव के ही चंद्रपाल पिछले करीब 15 साल से गांव के ही मंदिर में रहकर पूजा पाठ व मंदिर की देखभाल कर रहे थे। उनके भाई आदि गांव में ही रहते हैं। हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया है, साथ ही जांच पड़ताल भी तेज कर दी है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। इस बारे में गांव के ही एक युवक ने यह जानकारी फर्स्ट बाइट को दी। महाराज जी की कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी गई है, जिसमें कि ईंट मार के हत्या की गई है और सिर पे काफी चोट आने से उनको जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे घटना स्थल पे मारपीट हुई है और ले जाकर गली में घेर दिया गया है। कुछ लोग सोच करने के लिए ग्रामीण उठे हैं, तब उन्हें पता पड़ा है महाराज जी की डेड बॉडी यहाँ पड़ी है जी। उसके बाद में अफरा तफरी मची है, फिर पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, पुलिस प्रशासन आई है और पुलिस प्रशासन से अभी यही मांग चल रही है कि केस को यहीं खोला जाए जी। अभी हमारा केस यहीं का ही ओपन कर दिया जाए, जो भी जैसे भी घटना स्थल पर हुआ मामला। डॉग स्क्वायर वाले भी आए हैं, वो मोड़ तक जाकर कुत्ता वहाँ भी बैठ गया, उन्होंने भी वहाँ से आगे गया नहीं। वहीं पुलिस अधीक्षक देहात केशव कुमार ने यह जानकारी मीडिया को दी है। थाना मुंडाली के ग्राम बड़ला कैथवाड़ा में चंद्रपाल पुत्र भरन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलवाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर संघ धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया जाएगा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो चुकी है, ऐसे में और अधिक जागरूक होने की जरूरत है। याद रखिए, कोरोना केसों में कमी अवश्य आई है, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। सरकारी गाइडलाइन का पालन करें और सेफ रहें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।